कुछ टाइम बाद आपको इस फ्रेम में अभी ड्यूक 90 दिख रही है, तो यहाँ पे कोई और बाइक दिखने वाली है। ये उत्तराखंड की पहले होने वाली है ड्यूक 90, जिसमें कि ये सुपर ड्यूक वाली किट लग रही है। जनता वांट्स टू नो व्हाई। सर ये अपने पार्ट्स जो अब पेंट होने वाले हैं, एंड मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ पूरी पेटी। सो आप लोगों से मुझे ये सजेशन चाहिए कि अपनी जो हम नेक्स्ट सुपर बाइक लेने वाले हैं वो हम 25 अगस्त को ही ले लें। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो आ रही है काफ़ी दिन बाद आ रही है, क्योंकि देहरादून में 3-4 दिन से लगभग बारिश हो रही है, तो उस वजह से ना मैं निकल ही नहीं पा रहा था ये सब काम कराने। एंड अपनी ड्यूक की जो सुपर ड्यूक किट है 390 की, वो आ चुकी है। एंड वो मैंने मंगाई है चेन्नई से, जो साउथ साइड ये सब पार्ट्स पहले आ जाते हैं, वहीं ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है क्योंकि, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर करी थी। एंड ऑर्डर करने के लगभग 8-10 दिन बाद आया मेरा ऑर्डर, तो अभी वो मैंने कुरियर भाई के यहाँ रखवा दिया था ऑर्डर, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी पेटी थी एंड वो बाइक में तो जा नहीं सकती थी। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो मैंने इंस्टाग्राम में डाला भी था, जो बॉक्स आ गया था मेरे घर में डिलीवर हो गया था। सो वही अभी हम कुकरी भाई के यहाँ से उठाने वाले हैं एंड सीधा उसे ले जाने वाले पेंट के लिए। और मेरे साथ अभी मास्क ही है, मैं आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, वो मास्क राइडर आ रहा है अपनी Z800 में। ये चल रही है अपने आगे लाउड Z800, इसमें स्लिप ऑन लगाया ऐसी वजह। कुछ टाइम बाद इसमें से हम सर कैटलेटी वगैरह निकाल के इसे फुल सिस्टम करने वाले हैं, उसके बाद देखना क्या चिंगाड़े मारती है ये रोडों पर। अभी भी लाउड है पर फुल सिस्टम में ज़्यादा हो जाएगी। एंड ड्यूक 390 को मैं जल्दी जल्दी मॉडिफाई कराने वाला हूँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको इस फ्रेम में अभी ड्यूक 390 दिख रही है, तो यहाँ पे कोई और बाइक दिखने वाली है। तो वो बाइक कौन सी होने वाली है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब वो आएगी बाइक, बट इतना तो है कि सुपर बाइक होने वाली है कोई। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो पहले से चैनल, क्योंकि आगे आने वाला है तगड़ा ही कंटेंट सुपर बाइक वाला। एग्जॉस्ट की आवाज से वहाँ कार के पक 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 शुरू हो गए। जनता को दिखाना भी तो पड़ेगा कि हमने सामान कहाँ रखा था। जनता वांट्स टू नो व्हाई। कितनी बड़ी है बेटी? इसके अंदर है 250 करोड़, निकाल ले चल। एक नोट भी कम ना हो इसमें से। अबे 250 करोड़ है ना, क्योंकि वो जो पिछली बार हमने लिए थे वो 500 करोड़ थे। अच्छा। तू भूल गया ना, इसलिए पेटी हल्की हो रही भाई। 50 रुपये पेटीएम करी सर। सो इस पार्ट्स हमने उठा चुके हैं कुर्दी भाई की कार से, एंड मास्क ने पकड़े हुए हैं पार्ट्स पीछे, और लेके जा रहे हैं हम सीधा जहाँ पे हमने बाइक पेंट करवाई थी, वहीं पे हम ये पार्ट्स भी पेंट करवाने वाले हैं। एंड कैसा पेंट होगा वो मैं अभी आपको चल के बताता हूँ, एंड पार्ट्स भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। सो ये हम पहुँच गए शॉर्टकट मार के, एंड आई होप शाम तक ये पार्ट्स हो जाएँ या फिर कल सुबह तक, ताकि हम जल्दी से इन्हें लगवा भी पाएँ फिर। सर ये अपने पार्ट्स जो अब पेंट होने वाले हैं, एंड मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ पूरी पेटी। वैसे तो मैंने इसे बहुत ही बेकदरी से पहले एक बार खोल चुका है। सो ये रहे वो पार्ट्स, एंड ये कस्टम मेड है, तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है इनमें, मतलब फिनिशिंग तो है बट थोड़ा पेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके ऊपर पहले कुछ अभी बताया अंकल ने कि एक चीज़ POP टाइप चढ़ती है जिससे कि पेंट पकड़ लें, एंड उसके बाद फिर होने वाला है इसमें पेंट। एंड वाइट कलर का पेंट हम इनमें करवाने वाले हैं, और ये देख लो आप ऐसे कुछ लग रहे हैं। एंड टैंक पे कैसे लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे करके होने वाले हैं टैंक में फिट। ये वाला इधर से इस टाइप में हो जाएगा, एंड ये वाला इधर से ऐसे। तो आप देख लो कितनी ब्रॉड लग रही है ऐसे बाइक। एंड अगर मैं साइड से दिखाऊँ आपको लुक, तो कुछ ऐसा आने वाला है जब इसमें लग जाएंगे पार्ट। तो ये वाले जो अभी वाइट पैनल से वो हम ब्लैक करा देंगे, तो उसके बाद ये वाइट पैनल लगेंगे, तो उसके बाद कलर पूरा मैच हो जाएगा। वो जब पेंट हो जाएगा तब देखना आपकी लुक कैसा आ रहा है, बट अभी देख लो
और अभी इन्हें देते हैं पेंट कराने के लिए। आई थिंक शाम को या कल सुबह तक ये पेंट होंगे। सो यार पार्ट्स मैंने छोड़ चुके हैं पेंट के लिए एंड मास्टर राइडर भी अब जा चुका है अपने घर और मैं भी अब अपने घर जा रहा हूँ। तो आज शाम को तो नहीं हो पाएंगे वो पार्ट्स पेंट, क्योंकि आज उनमें जो पुट्टी वगैरह है वो चढ़ेगी, जिससे कि पेंट उनमें सही से चढ़ जाए एंड कहीं कहीं पे वो जो पार्ट्स हैं वो थोड़े ऊँचे नीचे हो रखे हैं, तो उन्हें एक लेवल में कर देंगे एंड उसके बाद उसमें पेंट करेंगे। तो सुबह के टाइम होगा कल पेंट, तो सुबह के टाइम में जाऊँगा मैं पेंट वगैरह करवाने। एंड हमें इसमें काउल भी लगवाना है, तो काउल आई थिंक हम यूके कस्टम से लेने वाले हैं और उसमें देखते हैं कौन सा पेंट और होगा, उसे अपने हिसाब से पेंट करवा देंगे। तो फिर तब पूरी बाइक लोड हो जाएगी, आगे भी किट लग जाएगी एंड पीछे भी। एंड मुझे आप लोगों से एक और सजेशन चाहिए था कि मैंने अभी तक अपनी जो भी बाइक ली है वो मैंने 25 अगस्त को ही ली है, जो हमने अपनी ड्यूक 200 ली थी 2020 में, वो भी हमने ली थी 25 अगस्त को ही। एंड जो हमने ये ड्यूक 390 ली थी वो भी उसके एक साल बाद हमने 25 अगस्त को ही ली थी। तो आप लोगों से मुझे ये सजेशन चाहिए कि अपनी जो हम नेक्स्ट सुपर बाइक लेने वाले हैं वो हम 25 अगस्त को ही ले लें, जो कि लगभग 23-24 दिन बाद ही है, आज 1 तारीख है। तो आप लोग कमेंट डाउन करके बता देना कि आप लोग क्या चाहते हो। मैं तो वैसे ये सोच रहा हूँ कि 25 अगस्त को ही ले लेते हैं, इससे अपना एक रिकॉर्ड है वो बना रहेगा कि 25 अगस्त को ही हम बाइक लेते हैं। तो एक बार आप लोग भी कमेंट डाउन करके बता देना, या फिर मैं सोच रहा था पहले कि 50K में लूँ, तो 50K में अभी लगभग 1-1.5 महीना मुझे लग जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग एक बार मुझे सजेस्ट कर देना कमेंट में, बाकी जैसा भी होगा वो आपको पता चले जाएगा आगे वीडियोस में। सर ये जो अपनी किट बाइक में लगने वाली है ना, अपनी ड्यूक 390 में, ये उत्तराखंड की पहले होने वाली है ड्यूक 390, जिसमें कि ये सुपर ड्यूक वाली किट लग रही है, क्योंकि अभी तक ये बस साउथ साइड ही लगी है इंडिया में एंड पूरे नॉर्थ इंडिया में भी आई थिंक अभी तक एक ही ड्यूक 390 में लगी है। सो शायद सेकंड अपनी है, अगर किसी और की होगी तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, बट अभी तक मैंने देखी नहीं किसी और की एक ही ड्यूक 390 देखी जिसमें लगी है किट। सो कोशिश करेंगे कि कल ही पेंट करवा के एंड हम कल ही इसमें इंस्टॉल करवा दें किट, और उसके बाद एक हेडलाइट की मॉडिफिकेशन आने वाली है, तो वो भी काफ़ी यूनिक होने वाली है। एंड उसके बाद हम बाइक को बनने वाले हैं फुल सिस्टम, जो क्योंकि फुल सिस्टम भी अभी तक यहाँ पे कोई बाइक नहीं हुई है, बट फुल सिस्टम करके चलाने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है। बस एक बार ट्राई करके देखेंगे, अगर सही लगी तो 1-2 दिन रखेंगे, वरना बस ट्राई करके हटा देंगे हम। सो इस वीडियो में यार इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वो पार्ट्स पेंट करवा के सुपर ड्यूक वाले हम इसमें इंस्टॉल करवा देंगे एंड उसके बाद आप लुक देखना इसका कैसा आता है। ये वाले पैनल हम ब्लैक करने वाले हैं अब, और अभी बारिश में खड़ी थी तो थोड़ी गंदी भी होगी, तो इससे पहले धुलवा लेंगे पार्ट्स लगवाने से पहले। एंड ये वाले पैनल ब्लैक आएंगे, उसके ऊपर वाइट कलर के सुपर ड्यूक के पैनल लगाने वाले हम, जिससे कि लुक काफ़ी ब्रॉड आएगा एंड अच्छा भी लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ड्यूक 390 के न्यू लुक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। और हाँ, जिसने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है वो भी कर लो, क्योंकि इसका लुक पहले वहीं पर रिवील होगा रील्स वगैरह फोटोज़ वगैरह में। सो आईडी नीचे शो रही होगी, इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।